नमस्कार दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल खान पान पकवान में स्वागत है। आज हम नई रेसिपी सीखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कुछ आप मुझसे और बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, जो कि घर घर में आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। और इसके लिए जो हमने सामान लिया है उसको आप देख लीजिए एक बार। तो मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर, क्यूब्स में काट लिया है इसको, एक कप दूध लिया है, चार मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, चार प्याज लिया है, ये भी मीडियम साइज़ का ही रहेगा। इसके अलावा लहसुन के टुकड़े लेने हैं आपको चार पाँच, जिंजर लिया है मैंने एक इंच, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है इसको। इसके अलावा हरी मिर्ची ली है और तेज पत्ता लिया है दो, दो सूखी लाल मिर्च, दो बड़ी इलायची, एक जावित्री का छोटा टुकड़ा, दो हरी छोटी इलायची, 10-12 मैंने लिए हैं इसमें काली मिर्च और दो लौंग के पीसेस। इसके अलावा आपको चाहिए होगा बादाम 12 से 15, काजू का टुकड़ा 12 से 15, सूखी धनिया पाउडर 1-2 टेबल स्पून, ये मैंने लिया है पम्पकिन सी, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। इसके अलावा नमक लिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किशमिश लिया है मैंने 12-15 टुकड़ा, जो कि थोड़ी सी मिठास ऐड करने के लिए चाहिए होगा। अगर आप किशमिश नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके जगह पे चीनी का यूज़ कर सकते हैं, एक चम्मच डाल सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें शहद का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक चम्मच ही डलेगा। इसके अलावा बटर है, ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टेबल स्पून और कसूरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, जो कि कलर ऐड करने के काम आएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बटर, टमाटर पीसेस, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तेज पत्ता और ये बड़ी इलायची। ये इसमें है छोटी इलायची और जावित्री, काली मिर्च और लौंग, पम्पकिन सीड, ये बादाम के टुकड़े, काजू, किशमिश, नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। पाँच मिनट के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, जिससे ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और इसको फिर मिक्सर में डाल के हम ग्राइंड करके ग्रेवी बना लेंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमारा ठंडा हो चुका है और इसमें से हम पहले ये तेज पत्ता अलग कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब जो हमने दूध लिया था इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे,
अब इसको एक मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देखिए ये ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे, इसमें थोड़ा सा बटर और 1 चम्मच करीब ऐड करेंगे। गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसको मिक्स करेंगे, धनिया पाउडर भी हमारा थोड़ा सा इसको पकने देंगे, जो कि पक चुका है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया। अब हमने जो ग्रेवी तैयार किया था इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, आधा कप। इसको मिलाना है, इसको 2 मिनट तक चलाते रहिए, जिससे ये पैन में ना चिपके पा रहे हैं। सब्जी हमारी रेडी है। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके ऊपर से ऐड कर देंगे। इससे खुशबू आती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेते हैं। और हमारी ये स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है। अब आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप नान का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप इसका लुत्फ़ उठाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी।